अमरउजाला.com की टीम मध्य प्रदेश के कटनी जिले में ग्राम हिरवाड़ा और ये पड़ता है बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ के लोगों से हम मिलेंगे। गांव के कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा, सबसे पहले आपसे कि गांव में सबसे ज्यादा समस्याएं किन चीजों की है? पानी की सबसे बड़ी समस्या है और रोड की, पूर्व रोड उखड़ चुकी है। छह महीने पानी की बात करें तो इस गांव की आबादी सबसे पहले बताइए कितनी है? 1500 और 4000 4000 के लगभग। गांव में किसान टोटल कितने? आगे आइए थोड़ा आगे। 70% आगे आइए। गांव में किसान कितने हैं? 70% होंगी। तो यहां खेती को लेकर के ज्यादा बहुलियत होगी, खेती को लेकर के परेशानी क्या क्या आती है? परेशानी पानी नहीं है, टैंक बना हुआ है आगे, सिंचाई भी लगता है, मतलब सिंचाई भी लगती है अपन लोगों की, पर पानी आज तक नहीं आता वहाँ, नहर में कभी पानी नहीं आता, नहर गांव तक बनी हुई हमारे। जलाशय है यहाँ पर, यहाँ पानी नहीं आता, कुएं तक पानी, पिपली तक पानी आता ज्यादातर। गांव में एक और बहुत बड़ी चीज होती है जो हर जगह की समस्या होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या क्या इंतजाम? कुछ इंतजाम नहीं है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, सबको कटनी जाना पड़ता है 8-9 किलोमीटर दूर। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई किसी का अगर ज्यादा तबियत खराब हो गई, ज्यादा इमरजेंसी हो गया, तो उसके लिए आपको आपको क्या करना पड़ता है? तुरंत यहाँ आसपास कोई डॉक्टर अच्छा बैठता है या फिर कहाँ जाना? नहीं कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, सीधे कटनी ही लेके जाना पड़ता है। अच्छा, और जी झोला छाप डॉक्टर है बस यहाँ पर, कभी इमरजेंसी पड़े तो उन्हीं के पास आदमी इमरजेंसी में जाता है, और कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। और आपको कटनी तक जाने के लिए किस तरह की कनेक्टिविटी है, सड़क कैसी है और एम्बुलेंस आती है कि नहीं? एम्बुलेंस आ जाती है, एम्बुलेंस की व्यवस्था ठीक है, रोड भी ठीक है, मतलब कटनी से आना हो तो गांव तक रोड ठीक है, मगर गांव के अंदर के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बेकार है। और कटनी यहाँ से कितना किलोमीटर है और कितने देर में पहुँचते हैं? 8-9 किलोमीटर है करीब, करीब आधा घंटा। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर युवाओं के लिए? जैसे हम युवाओं से बात करते हैं, युवाओं के लिए यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? युवाओं के लिए तो वैसे कुछ नहीं, रोजगार कुछ नहीं है यहाँ पे, सब बाहर ही जाते हैं, जो कुछ भी है कटनी है। आप क्या करते हैं? कॉलेज करते हैं। क्या लगता है आपको, आपका आपके भविष्य के बारे में क्या सोचना है आपको, यहाँ पे किस तरह के रोजगार की व्यवस्था है? किसी चीज की नहीं, सब कटनी है और फिर एनके जाना पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए कोई अगर लड़का है, कोई युवा है, उसके घर में कुछ दिक्कत है, कहीं बाहर नहीं जा सकता नौकरी करने के लिए, तो वो पढ़ने लिखने के बाद क्या करेगा? वो सिर्फ ये मजदूरी करेगा, रोज की किसमें रोज ठेकेदारी वाला काम, ऐसी फोड़ा गायती, चूना गारा, ये सब बस। अच्छा, मान लीजिए कुछ लोग इधर बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे जो ज्यादा लोग हैं वो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, अगर खेती किसानी नहीं कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं? खरीद के खाएंगे और क्या करेंगे। तो खरीद के खाने के लिए पैसे चाहिए, वो कैसे कमाते हैं यहाँ पर, मतलब उसके अलावा वो क्या व्यवसाय करते हैं? कुछ बाहर जाना पड़ेगा या मतलब कटनी में चूना गारा कुछ भी फलवा लेके खोदना, गड्ढा खोदना, घर मकान में जैसे ये बाउंड्री चल रही इसमें काम करना, बस यही चल रहा तो मिलेगा फिर उसमें से काम करेंगे। अच्छा, यहाँ विधायक कौन है अभी मौजूदा? मोदी कश्यप है, 10 साल से है। गांव में कितनी बार वो आए, कितने लोगों की समस्या है? अभी आई थी, अभी चुनाव के समय में 5 साल में 1 बार आते हैं वो। अच्छा, क्या क्या वादे करके गए? वादे तो बहुत करते हैं, रोड बनवा देंगे, लाइट लगवा देंगे, रोड लाइट अभी 1 महीना नहीं हुआ लाइट को लगी, 5 दिन से ज्यादा नहीं जली लाइट की। मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, बोलूंगा अपने कैमरामैन को, आसपास में घरों की हालत दिखाएं, किस तरह से लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। क्या उन्होंने कुछ इसके लिए कुछ वादे नहीं किए, या आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं किया कि आवाज दे भी रही है, पीएम आवाज जैसे मिल भी रहा भैया, तो उनको मिल रहा जो सरपंच के टच के हैं और विधायक के टच के हैं, और जिनके टचिंग नहीं हो उनका घर भी नहीं है, उनको कहीं से नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ नहीं है। जिनको मिलना चाहिए जो उनके उनको नहीं लाभ मिल रहा है, उनको मिल रहा जो जो रिश्तेदार हैं, जो उनके टच के हैं, उन्हीं को मिल रहा है लाभ, और किसी को नहीं मिल रहा। किनको? जो गरीब है, जिनके पास कार्ड भी बना है गरीबी रेखा का, अति गरीबी का, उसके बाद भी उनको नहीं मिल रहा, सिर्फ जो उनके सगे संबंधी है, जो सरपंच बनता है उन्हीं को मिलता है, बस हो गया। तो आपने देखा इस गांव के लोग किस तरह से परेशान हैं, किसानों के पास खेत तो है, उसमें खेती कर भी रहे हैं, लेकिन
वहां पर पानी नहीं आ रहा है। दिक्कत यह है कि वहां तक बिजली नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से वो पंप नहीं चला पा रहे, पानी नहीं चला पा रहे। और यहाँ पे जो युवा है जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोगों से हमने बात की, वो बीबीए बीकॉम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बड़े शहर में जाकर काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं। अगर कोई मजबूरी आ जाती है घर में तो उन्हें नौकरी छोड़कर यहां आकर मजदूरी करनी पड़ती है, किसी के घर बन रहे हैं वो बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा यहां सड़क नहीं है, गरीब जो है यहां पर झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। आवास योजना के तहत सरकार इन्हें लाभ का मौका तो दे रही है, लेकिन इनका आरोप है कि सिर्फ सरपंच के रिश्तेदार और सरपंच के करीबियों को ही छत मिल पा रही है, इसके अलावा लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है।